अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही अपने लिए आलीशान और सुंदर घर बना सकता है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई सारी चिड़ियां हैं जो अपने लिए इतने सुंदर घर बनाती हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो अपने घोंसले में एसी लगाती है? और क्या आप किसी ऐसी चिड़िया को जानते हैं जो अपने घोंसले को बिल्कुल इंसानों की तरह ही सजाती है? तो चलिए देखते हैं इस दुनिया के 10 सबसे सुंदर घोंसलों को, जिन्हें देख आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये किसी पक्षी ने बनाया या इंसान ने। नंबर 10, मोंटेजुमा और पेंडोला नेस्ट। अमेरिका में पाए जाने वाली इस कैरेबियन बर्ड का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी पेड़ पर कटहल लटक रहा हो। जनरली ये पक्षी मध्य अमेरिका के लगभग 30 मीटर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। इन घोंसलों की लंबाई लगभग 60 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। इस कमाल के घोंसले को बनाने के लिए इन पक्षियों को सूखी घास और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, जिसे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से ज्यादा घोंसले बना सकते हैं। तो आप कभी अमेरिका जाएं और आपको किसी पेड़ पर कटहल नजर आए तो उसे तोड़ने से पहले एक बार जरूर जांच लीजिएगा, ताकि कहीं आप गलती से मोंटेजुमा और पेंडोला के घोंसले की सब्जी ना बना लें। नंबर 9, मैलिफोल नेस्ट। जब बात पक्षियों के घोंसले की होती है तो हमारी नजर हमेशा पेड़ों पर टिक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही घोंसलों की एक ऐसी इमेज बनी हुई है जो पेड़ों की टहनियों पर टिके हुए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है, और वो भी अपने पंजों से खोदकर, जिसकी वजह से इनके घोंसले को देखकर आपको किसी कुएं की याद आ सकती है। इन शानदार घोंसलों को बनाने का ज्यादातर काम मादा पक्षी करती है, हालांकि कभी कभी नर पक्षी भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है। लेकिन ये घोंसला सबसे कमाल का तब दिखता है जब ये बर्ड अपने घोंसले में अंडे देती है। इस दौरान ये चिड़िया अपने घोंसले को चारों तरफ से लकड़ियों से इस तरह से ढक देती हैं कि शायद आपको पता भी नहीं चले कि वहां कोई घोंसला भी है। नहीं नहीं, इन चिड़ियों की इंसानों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये सब तो बस इसलिए किया जाता है ताकि कोई शिकारी पक्षी या जानवर इनके घोंसले और उसमें रखे अंडों को ना देख पाए। इनकी समझदारी और सूझबूझ की तो दाद देनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि इस पक्षी के घोंसले को दुनिया के सबसे सुरक्षित घोंसलों में से एक माना जाता है। नंबर 8, बावर बर्ड नेस्ट। नंबर 8 पर एक ऐसा आर्टिस्ट पक्षी जिसे इंसानों की तरह ही अपना घर सजाने का शौक है। इस नेचुरल आर्टिस्ट का नाम है बावर बर्ड, जिसका घोंसला बाकी पक्षियों के घोंसले से बहुत अलग होता है। ये पक्षी भी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं, मगर इनके घोंसले इतने शानदार होते हैं कि पहली नजर में तो ये आपको किसी आम इंसान की झोपड़ी लगेगी। यहाँ तक कि आप इनके घोंसले को देखकर कुछ देर के लिए सोच में भी पड़ सकते हैं कि कोई पक्षी अपने घोंसले को इतना सुंदर कैसे सजा सकता है। वैसे घोंसला बनाने के लिए पक्षी किसी हीरे जवाहरात का यूज नहीं करते, बल्कि इसके लिए ये भी ज्यादातर पक्षियों की तरह पतली और सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन लकड़ियों की मदद से ही अपने घोंसले को झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। एक बार जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो बावर बर्ड रंग बिरंगे फूल पत्तियों से सजाने में लग जाते हैं। इन्हें अपने घोंसले और उसके आसपास की जगह को सजाने का इतना शौक है कि इन्हें जो भी चीज मिलती है ये उसे लाकर अपने घोंसले में सजा देते हैं। ये सब देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि इन पक्षियों के अंदर एक इंटीरियर डिजाइनर तो जरूर मौजूद है। नंबर 7, हमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड के घोंसलों को दुनिया के सबसे खूबसूरत और अनोखे घोंसलों में से एक माना जाता है। ये पक्षी आकार में जितने छोटे होते हैं उसके ठीक उलट ये अपना घोंसला बनाने के लिए किसी विशाल पेड़ को चुनते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर शायद ये ढंग से दिखाई भी ना दे। जमीन से इन पक्षियों के घोंसले की दूरी लगभग 10 से 90 फीट तक होती है। औसतन एक फीमेल हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगाती है। हमिंग बर्ड के घोंसलों की सबसे खास बात यह है कि अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से किसी चमचमाते हुए कप या कटोरी के आकार का दिखने वाला इन पक्षियों का घोंसला किनारों की तरफ से किसी इलास्टिक की तरह स्ट्रेचेबल होता है। इन इलास्टिक जैसे किनारों का फायदा हमिंग बर्ड के घोंसले में पलने वाले इनके बच्चों को मिलता है, जिनके बढ़ते आकार के साथ साथ घोंसले का आकार भी बढ़ता जाता है। ऐसा भी नहीं कि हमिंग बर्ड घोंसले के सिर्फ साजो सज्जा और आरामदायक बनाने पर ही ध्यान देते हैं, बल्कि इसकी सिक्योरिटी भी इनकी प्रायोरिटीज में से एक है।
यही वजह है कि अपने घोंसले को शिकारी पक्षी से बचाने के लिए हमिंग बर्ड्स उसे चारों तरफ से पत्तियों से ढक देते हैं, जिस वजह से अक्सर दूसरे पक्षी या जानवर की नज़र पत्तियों के अंदर बने घोंसले पर नहीं जा पाती और इनके अट्रैक्टिव घोंसले वैसे के वैसे सुरक्षित रह जाते हैं। नंबर 6, बॉल्ड ईगल नेस्ट। नंबर 6 की बात करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पक्षी का घोंसला कितना बड़ा हो सकता है, तो शायद आप एक खाने की प्लेट या ट्रे की तरफ इशारा करके बताएं कि इतना बड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसका घोंसला 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है, तो आप लोग मुझे पागल करार दे देंगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद बॉल्ड ईगल के घोंसले को देखकर आपकी सारी गलतफहमी चुटकियों में दूर हो जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं कि बॉल्ड ईगल को सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक माना जाता है। ये जब खुद आकार में इतने बड़े होते हैं तो इनके घोंसले का आकार तो बड़ा होगा ही। बाकी पक्षियों की तरह ये भी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों पर ही बनाते हैं। चूंकि इनके घोंसले का आकार काफी बड़ा और हैवी होता है, इसलिए इसे बनाने में काफी समय भी लगता है। यही वजह है कि बॉल्ड ईगल अपना घोंसला अंडे देने के लगभग 3 महीने पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। बॉल्ड ईगल अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुनसान जंगल को ही चुनते हैं, इसलिए आमतौर पर इनका घोंसला इंसानों की नजरों में भी नहीं आता है। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये ईगल अपने घोंसले का साइज समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके घोंसले का साइज और भी बड़ा हो जाता है। इस ईगल के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा घोंसला फ्लोरिडा में पाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट और वजन लगभग 3,000 किलो के बराबर है ना कमाल की बात। नंबर 5, यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। यूरोपियन बी ईटर बर्ड्स, इसके नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पक्षी अपना पेट कैसे भरता है। बिल्कुल सही समझा आपने, यूरोपियन बी ईटर बर्ड्स अपना पेट पालने के लिए मधुमक्खियों का शिकार करते हैं। ये मधुमक्खी खोर पक्षी अपना घोंसला दूसरे पक्षियों से काफी अटकर बनाते हैं। दरअसल आम पक्षियों की तरह यूरोपियन बी ईटर बर्ड्स अपना घोंसला किसी पेड़ की टहनियों पर नहीं, बल्कि किसी पहाड़ के किनारे पर, रेत के किनारे या नदी के किनारे पर जमी मिट्टी के अंदर सुराख करके बनाते हैं। इन पक्षियों का बेहद अजीबोगरीब जगह पर घोंसले बनाने के पीछे की वजह ये है कि इन्हें ऐसी जगह पर रहना पसंद है जो हवादार हो। लेकिन अपने शौक का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि महज एक सुराख जैसा घोंसला होने की वजह से ज्यादातर सांप जैसे जीव इनके घोंसले में बहुत आसानी से घुस जाते हैं और इनके अंडों या बच्चों का शिकार कर लेते हैं। इन्हें अपना घोंसला बनाने में करीब 20 दिन का समय लग जाता है, और इसे बनाने में नर और मादा पक्षी एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ दूसरे यूरोपियन बी ईटर्स पक्षियों की भी मदद करते हैं। मतलब कि बोले तो फुल टू भाईचारा। नंबर 4, सोशियबल वीवर बर्ड नेस्ट। नंबर 4 पर जो पक्षी है उसके घोंसले को घोंसला कहने के बदले जिला कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाले सोशल वीवर बर्ड्स के नेस्ट न सिर्फ दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट नेस्ट माने जाते हैं, बल्कि इन पक्षियों की सबसे खास बात यह है कि इन पक्षियों का पूरा ग्रुप मिलकर एक घोंसला तैयार करता है। इनका घोंसला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसमें एक समय पर लगभग 300 से 400 सोशियबल वीवर बर्ड्स रह सकती हैं। सोशियबल वीवर बर्ड्स का घोंसला किसी दूसरे पक्षी के घोंसले के मुकाबले काफी मजबूत और टिकाऊ होता है, जिसे सूखी घास और पतली पतली लकड़ियों से बनाते हैं। इन पक्षियों की कमाल की इंजीनियरिंग टेक्निक का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशियबल वीवर बर्ड्स के घोंसले गर्मी में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहने का अद्भुत काम करते हैं। देखने में आपको ये घोंसले बेड पर बिछाने वाले किसी गद्दे की तरह लगेगा। इसी वजह से कभी कभी चीते भी इस आरामदायक घोंसले का आनंद लेने इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। नंबर 3, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। नाम के आगे कॉमन लग जाने से इस पक्षी को कॉमन समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इनके घोंसले बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले पक्षी अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही गुजारते हैं। इनके घोंसले बनाने के तरीके के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये पक्षी मजबूत और हरी पत्तियों को चुनकर उनके किनारों पर इतना बारीक छेद करते हैं कि ना तो पत्तों का शेप बिगड़ता है और ना ही वो भूरे होते हैं। इसके बाद पौधों के फाइबर या फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम से ये उन पत्तों को आपस में चिपकाकर बहुत ही बारीकी से इसकी सिलाई करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कॉमन टेलर बर्ड अपने हर एक घोंसले को बनाने में कम से कम 100 से 200 टांके लगाते हैं, जो कि इसे तेज हवा के साथ साथ
दूसरे पक्षियों के शिकार से भी काफी हद तक बचा के रखता है। इस घोंसले को बनाने में इन पक्षियों को कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाता है और बनने के बाद वो इतना सुंदर लगता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। नंबर 2, वीवर बर्ड नेस्ट। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जो पक्षी मौजूद है उसे ना सिर्फ इस दुनिया के सबसे पुराने पक्षियों में से एक माना जाता है बल्कि इनका घोंसला दुनिया के सबसे खूबसूरत घोंसलों में से भी एक है। इस कमाल के पक्षी का नाम है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड्स का घोंसला आपको ज्यादातर लंबे लंबे पेड़ों पर देखने को मिलता है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी घास की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि घोंसला बनाने की जिम्मेदारी मेल वीवर बर्ड्स के कंधों पर होती है। ये पक्षी अपना घोंसला इतना मजबूत बनाते हैं कि तेज आंधी तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जाहिर है कि अंबुजा सीमेंट जैसे मजबूत घोंसले को बनाने में वक्त तो लगी गई। यही वजह है कि वीवर बर्ड्स को अपना घोंसला बनाने में 3 से 4 महीनों का वक्त लगता है। नंबर 1, एल्फ ओवल नेस्ट। एल्फ ओवल, दिन में सोने और रात में जागने वाले उल्लू के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हमें ये भी पता है कि उल्लू अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पेड़ के तनों पर बनाते हैं, लेकिन एल्फ ओवल नॉर्मल ओवल जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये अपना घोंसला पेड़ों के तनों पर नहीं बल्कि कैक्टस के कांटेदार पौधों के अंदर बनाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल घोंसलों जैसे नहीं लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घोंसला बनाने के लिए इन्हें किसी भी प्रकार की घास की पत्ती या लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ कैक्टस के पौधों को खोदकर उनमें एक बिल बनाते हैं और उसी बिल के अंदर रहते हैं और बाद में अंडे देते हैं। एल्फ ओवल्स का घोंसला बाकी सभी उल्लुओं के घोंसले के मुकाबले काफी सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है। तो आपको इनमें से किस पक्षी का घोंसला सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाले बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको